छत्तीसगढ़ के जांजगीर में जनपद अध्यक्ष के पति सहित दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने भागवताचार्य के घर में घुसकर मारपीट की वारदात की। इस वारदात से आसपास दहशत का माहौल है। वारदात करने वाले आरोपियों की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोप लगाया है कि दर्जन भर लोगों ने उनके घर पहुंचकर मारपीट की, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आरोपी तभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। आरोपों की माने तो जांजगीर चांपा जिले में बैंक खाते से फर्जी तरीके से रुपए निकालने की शिकायत करने पर बडमडी जनपद अध्यक्ष के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर भागवताचार्य पंडित राजकुमार शर्मा के घर में घुसकर जमकर मारपीट की। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना बीते रोज 22 जनवरी की है। घटना के बाद हमला करने वालों ने भागवताचार्य के परिवार को रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने की भी धमकी दी। आज पीड़ित परिवार ने जांजगीर एसपी के सामने पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल सारा गांव थाना क्षेत्र के सरवानी निवासी भागवताचार्य पंडित राम कुमार शर्मा ने बताया कि बनमडीह जनपद पंचायत के अध्यक्ष पति व संस्था प्रबंधक बालेश्वर साहू व गौतम राठौर के द्वारा उनकी कमाई गई रकम हड़प ली गई है। इस बात की शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई थी। इस बात से आरोपी पक्ष रंजिश रखता था, जिसके चलते आरोपी बालेश्वर साहू गौतम राठौर अपने लोगों के साथ उनके मकान में लाठी डंडे लेकर पहुंच गया और उनके साथ मारपीट की। इस दौरान रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाने लगे। जब रिपोर्ट वापस लेने से इनकार किया तब उन्होंने हमला कर दिया। यह पूरी घटना राम कुमार शर्मा के निवास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जाते जाते आरोपियों ने परिवार के लोगों को पुलिस के पास न जाने की धमकी भी दी। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर से संवाददाता महेश शुक्ला की रिपोर्ट। ग्राम सरवानी थाना सारा गांव से प्रार्थी राजकुमार शर्मा के द्वारा ये रिपोर्ट लिखाई गई कि अजीत साहू एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा पुराने पैसे के लेन देन को लेकर उसके साथ मारपीट की गई, हम परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की गई है, जिस पर से थाना सारा गांव में अपराध पंजीबद्ध किया गया है एवं विवेचना में लिया गया है जी। चूँकि उसमें जो मारपीट करने वाले आरोपी हैं वो 5 से अधिक व्यक्ति थे, इसलिए बलवा की धाराएं इसमें लगी हुई हैं जी। दहशत वाली कोई बात नहीं है, मैंने खुद मौके पे जाके वहाँ पे अवलोकन किया है और निरीक्षण भी किया है, तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। चूँकि जो लड़ाई हुई है वो पुराने लेन देन के मामलों को लेके हुई है, तो उस पर से आरोपियों के विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है और जल्दी उनके इन लोगों के घर आके इन लोग पहले से इन लोगों का षड्यंत्र था और हम लोग के घर में आके इन्होंने मारपीट किए और मेरे पति के ऊपर हाथापाई किए, जबरन से जान से मारने की धमकी दी इन्होंने और लाठी उठाए और डंडा उठाए और बहुत चीज़ से वार करने की कोशिश किए। मैं बचाव में अपने तरफ से गई थी, मेरे को धक्का दे दिए, ढकेल दिए, गिरा दिए मेरे को, और इन्होंने हमारे पूरे परिवार के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। इनको कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाए इनके ऊपर और इन अपराधों को कभी छोड़ा ना जाए। अभी यहाँ हम लोग मैडम से मिलने आए हैं, अजीत गौतम बालेश्वर और बहुत से लोग हैं जिन्होंने 40-50 लोग हैं जिन्होंने हम लोग के घर में आके मारपीट किए और उदंडता दिखाई है, जो कि बहुत गलत है, और इनके ऊपर कार्यवाही की जाए, यही से उम्मीद करती हूँ। गौतम राठौर जो पूर्व बसपा प्रत्याशी था विधानसभा शक्ति, बालेश्वर साहू वर्तमान जनपद अध्यक्ष पति समिति प्रबंधक भी हैं, तो इनके द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी किया गया था। तो ज़मीन की धोखाधड़ी की शिकायत मैंने 15 जुलाई को किया और मेरे अकाउंट से जो पैसा निकाले थे इसकी शिकायत मैंने 5 जनवरी को बमनीडी थाना एवं चापा थाना में किया था। उसी के लिए ये लोग दबाव डालते हुए 40-50 लोग 22 तारीख को सुबह 7 बजे हमारे घर को चारों तरफ से घेर करके हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किए और अड़ोस पड़ोस वालों सबको धमका दिए हैं, कोई मेरे खिलाफ़ यदि कुछ भी गवाही दोगे तो ठीक नहीं होगा। और अभी भी ये लोग धमकी दे रहे हैं और मंडरा रहे हैं कि हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा तो बिगाड़ ले, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और हमारे परिवार के साथ घर अंदर घुस करके लड़ाई झगड़ा किए हैं। बाहर के सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने काट दिया था, सिर्फ अंदर के सीसीटीवी फुटेज दिख रहे हैं जिसमें 15-20 लोगों का ही दिखाई दे रहा है और जितने और बाहर में हमारे थे उसका नहीं दिखाई दे रहा है।
तो मैं मैडम से यही निवेदन किया था कि मुझे सुरक्षा प्रदान करें और इन अपराधियों के ऊपर उचित कार्यवाही करें, जिससे इनका मनोबल बढ़ रहा है। और हमारे गांव में सब का पर्ची रखे रहते हैं, सैकड़ों लोगों का, ये लोग पर्ची रख करके पैसा ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। मरे हुए आदमी का फर्जी ढंग से दस्तखत करके पैसा निकाल लेते हैं, और कोई इनके खिलाफ विरुद्ध आवाज़ उठाए तो इनके साथ मारपीट करते हैं। तो मुझे शासन और प्रशासन से ही निवेदन है कि जो उचित कार्यवाही हो उचित कार्यवाही करें और मेरे परिवार की रक्षा करें। बस यही निवेदन मैडम से किया था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।